रास्ता आपको स्वीडन लिए चलते हैं। स्वीडन में समय जबरदस्त तनाव है, क्यों? स्वीडन में ईद के दिन कुरान के साथ बेअदबी की एक घटना हुई और इस घटना के बाद स्वीडन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर के इस्लामिक देश स्वीडन की निंदा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सरकार ने अनुमति दी एक व्यक्ति को कुरान के साथ बेअदबी की। देखिए ये रिपोर्ट। स्वीडन में कुरान की बेअदबी के कुछ ही घंटे बाद इराक में स्वीडन के दूतावास पर भीड़ ने हमला कर दिया। वहीं इराकियों ने बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाहर उसके झंडे जलाए। स्वीडन में जिस शख्स ने कुरान की बेअदबी की वो इराकी मूल का है जो पलायन कर स्वीडन में बस गया, लिहाजा विरोध की चिंगारी इराक में सबसे पहले भड़की। वहीं तमाम मुस्लिम देशों ने स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली कार्रवाई की निंदा की। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन इराक और ईरान विरोध में एक साथ आ गए। ईद उल अजहा की खुशियों पर इस घटना ने ग्रहण लगा दिया, लिहाजा ईरानियों ने स्वीडन की सरकार को जमकर कोसा।